तो गेम फिजिकल एफर्ट की नहीं है मेरे दोस्त, गेम माइंडसेट की है। और जिंदगी में सबसे बड़ी शिफ्ट जो है ना वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है। ये जो कैन डू, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू नो माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। दोहराता हूँ, कमाल की बात है, गौर से सुनिएगा, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। सैकड़ों सालों से दुनिया भर के लोग एक चीज के प्रयास में लगे थे, और वो एक चीज क्या थी? 4 मिनट माइल। 4 मिनट माइल मतलब एक मील के सफर को 4 मिनट के अंदर एक कोई इंसान दौड़ के दिखाएगा। 1880 के आसपास दुनिया भर के डॉक्टर्स, एथलीट, रनर्स और पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी इसके पीछे पागलों की तरह पड़ी थी। करीब 50-60 सालों की मेहनत के बाद 1940 के आसपास एक एथलीट 4 मिनट के नजदीक पहुंच गया, और उन्होंने 4.01 मिनट में 1 माइल का डिस्टेंस तय कर लिया, और अगले 9 सालों तक ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। और वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने यहां तक प्रिडिक्ट किया था कि जिस दिन ये रिकॉर्ड टूटेगा, बोले तो ये 4 मिनट के अंदर कोई इंसान 1 मील का सफर तय करेगा, उस दिन का कंडीशन कैसा होगा वो भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। मौसम एकदम परफेक्ट होगा, 68 डिग्रीज के आसपास का टेम्परेचर होगा, हवा नहीं चल रही होगी, और वो हार्ड ड्राई ट्रैक होगा, जो मिट्टी होगी उस ट्रैक की वो हार्ड होगी, सख्त होगी और सूखी होगी, और लाखों लोगों का क्राउड होगा ताकि उस एथलीट का वो मोरल बूस्टअप कर सकें, उसे मोटिवेट कर सकें, चिल्ला सकें कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इतनी सब प्रिडिक्शन के बाद भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक शख्स ने सोचा क्यों ना इसको अटेम्प्ट दिया जाए और इसको किया जाए। और वो लड़का एथलीट नहीं था, ही वॉज बेसिकली ए फुल टाइम स्टूडेंट, और अब तक ट्रेनिंग के जितने भी सिस्टम्स फॉलो किए गए थे उन्होंने उसमें से कोई भी फॉलो नहीं किया, और उस लड़के ने ट्रेनिंग के लिए, रेस की प्रैक्टिस के लिए अपना ही एक सिस्टम डेवलप कर दिया, और प्रेस में, मीडिया में उसके बारे में लोग बोलते थे इज ए लोन वुल्फ, राइट, वो एक अकेला सा वुल्फ है, पता नहीं करेगा, पता नहीं नहीं करेगा। लेकिन 6 मई 1954 में इस लड़के ने, रोजर बेनिस्टर ने ये कर दिखाया। और मजे की बात आप सुनिए, जो जो कंडीशन बताई गई थी उसमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई। ठंड का समय था, ट्रैक ड्राई नहीं था, ट्रैक वेट था, लाखों लोगों की भीड़ नहीं थी, एक छोटा सा क्राउड था ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में, नॉर्मल क्राउड के सामने उस लड़के ने 3 मिनट 59 सेकंड में ये कर दिखाया। अब रोजर बेनिस्टर ने ये कर दिखाया, वो कमाल की बात है। अब उससे भी कमाल की बात सुनिए, 1880 से 1954 के बीच में इस करीब 70 साल के प्रयास के बाद रोजर बेनिस्टर ने 4 मिनट के अंदर जब इस 1 माइल को कंप्लीट किया, उसके 46 दिन के अंदर एक और ऑस्ट्रेलियन रनर ने 4 मिनट के अंदर अंदर ये सेम काम कर दिखाया। रनर का नाम था जॉन लैंडी, और उन्होंने 3 मिनट और 58 सेकंड में 1 माइल कंप्लीट कर दिया। अगले एक साल के अंदर अंदर 3 और रनर्स ने 4 मिनट माइल का ये बैरियर तोड़ दिया। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी मोर देन 1000 रनर्स दे हैव ऑलरेडी डन इट। 1000 से ज्यादा रनर्स पिछले करीब 50 सालों में ये सेम कारनामा कर चुके हैं। आपको इस बात से हैरानी नहीं हो रही है? एक इंसान ने एक काम किया, उससे पहले मानवता के इतिहास में आज तक वो काम नहीं हो पाया। 70-80 साल तक एथलीट्स, डॉक्टर, रिसर्चर्स उस पर काम करते रहे तो भी ये काम नहीं हो पाया। तो जो रोजर बेनिस्टर ने किया वो किस बात का प्रमाण है कि ताकत, बदलाव फिजिकल पावर से हुआ या माइंडसेट से हुआ? रोजर बेनिस्टर के करने से पहले तक लोगों को ऐसा लगता था कि ये काम हो ही नहीं सकता, उनका माइंड इस बात को स्वीकार ही नहीं करता था कि 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से पहले किया जा सकता है। रोजर बेनिस्टर से पहले भी फिजिकल कैपेसिटी तो थी, लेकिन माइंड एक्सेप्ट नहीं करता था, इसीलिए काम हुआ नहीं। रोजर बेनिस्टर ने माइंडसेट बदल दिया, जिस दिन माइंडसेट बदला 46 दिन में एक और ने कर दिया, अगले एक साल में 3 और लोगों ने कर दिया, और उसके बाद तो लाइन लग गई
1000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गेम फिजिकल एफर्ट की नहीं है मेरे दोस्त, गेम माइंडसेट की है। लोगों को क्या लगा है, रोजर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी शिफ्ट जो है ना वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है। ये जो कैन डू, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू नो माइंड सेट इज़ व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। दोहराता हूँ, कमाल की बात है, गौर से सुनिएगा। माइंड सेट इज़ व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम दी रेस्ट। आपकी जो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हैं वो फील्ड में नहीं शुरू होती हैं, वो आपके माइंड सेट में शुरू होती हैं। जब मैं जिम जाया करता था ना तो वहाँ एक पोस्टर लगा था, योर बॉडी कैन डू एनी थिंग, टफेस्ट पार्ट इज टू कन्विंस द माइंड। आपका शरीर कुछ भी कर सकता है, कितना भी भार उठा सकता है, लेकिन मुश्किल चीज़ क्या है, आपके माइंड को कन्विंस करना। और इस माइंड सेट को आप डेवलप कैसे करेंगे, 5 चीज़ों से आप अपने माइंड सेट को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, उन लोगों के साथ रहिए जिनका माइंड सेट आपसे बड़ा है और उनका माइंडसेट उस लेवल पे है जहां पे आप जाना चाहते हैं। दैट इज नंबर 1 थिंग, यू नीड टू बी विद द राइट पीपल हु पुल यू अप, जो आपको ऊपर खींचें और आपको बड़ा होने के लिए मजबूर कर दें। नंबर 2, सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज जो भी आप देखेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को अफेक्ट करता है। आपको जनरल नॉलेज के लिए 150 अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स और चैनल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डिसाइड करो कौन से वो 5 चैनल हैं, कौन से वो 5 इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लीडर्स हैं, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं। स्टिक विद दैट एंड देन फॉलो ओनली दैट, कुछ भी मत फॉलो करिए, अपने माइंड में कचरा मत जाने दीजिए, यू नीड टू कंट्रोल दैट। तीसरा, सही किताबें पढ़िए, बुक्स विल ओपन योर माइंडसेट। बुक पढ़ने का मतलब क्या है, बुक पढ़ने का मतलब यह है कि किसी भी इंसान ने जिंदगी के पूरे अनुभव से जो सीखा उसने एक किताब की फॉर्म में आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। और बहुत कम पैसे में आप एक कोई भी किताब खरीद सकते हैं और उस किताब में उस आदमी की पूरी जिंदगी के निचोड़ को कुछ घंटों के अंदर अपना बना सकते हैं। आपके माइंडसेट को चौथी चीज जो डेवलप करती है वो होती है ट्रेनिंग, राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जब आपको मौका मिले, जैसे भी आपको मौका मिले, यू मस्ट इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग। एंड पांचवी सबसे जरूरी चीज, यू नीड टू हैव अ राइट कोच। में से जितने लोगों ने कभी भी कोई भी जिम ज्वाइन किया है, यू नो आप जितने वेट उठा सकते हैं अगर आप एक कोच के साथ काम करेंगे तो वो अचानक से आपके माइंडसेट को यूं बदल देता है कि आप ज्यादा वेट उठाना शुरू कर देते हैं। 2 हफ्ते पहले मेरे YouTube चैनल पे मैंने एक कमाल का वीडियो डाला था, नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके बारे में, और वो पूरा वीडियो एक चीज को दर्शाता है, जितना बड़ा आपका गोल है उसके हिसाब से आपका कोच होना चाहिए। तो इन 5 चीजों पर काम करिए, राइट पीपल, राइट सोशल मीडिया चैनल, राइट बुक्स, राइट ट्रेनिंग्स एंड राइट कोच, एंड देन यू कैन डेवलप द माइंडसेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सक्सेस। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी और मेरी पूरी टीम, वी आर वर्किंग विद वन सिंगल ड्रीम 24/7, दैट इज वी वांट टू सी यू एट द टॉप। हम आपको चमकते हुए आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गो फॉर योर ड्रीम्स, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। इन वीडियोज को हजारों लोगों के साथ रोज शेयर करने के लिए, हमारे इस यूट्यूब के परिवार को 100 से ज्यादा देशों में फैलाने के लिए, वहां तक जाने के लिए दिल से आपका बहुत सारा शुक्रिया। और आपको अपनी सक्सेस के लिए कोई भी टूल्स, कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल्स, कोई भी कॉम्पिटेंसी चाहिए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। सो कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड गो फॉर द स्काइज। लव यू गाइस।